हेलो गाइस, मैं हूँ रिपोर्टर टेंगो। तो आज मैं जाऊंगा जो फेमस है इंस्टाग्राम पर उसे मिलने, और देखते हैं वो कैसे है। तो उससे दो तीन सवाल भी पूछेंगे। तो मैं हूँ रिपोर्टर टेंगो, तो जाते हैं। तो गाइस, आज हम मिलने आए हैं फेमस रील्स मेकर, यानी कि इंस्टाग्राम पे फेमस है उसे। तो सर बताइए। नमस्कार, मैं एजे हूँ। एजे, मुझे एजे के नाम से लोग जानते हैं, स्लोमो एजे। मैं स्लोमोशन रील्स बनाता हूँ, रील्स जो ऐसे सड़क काट के देखते हैं ना, वो बनाता हूँ। और मैं बहुत फेमस हूँ, मेरे व्यूज 10 लाख और ऐसे जाते हैं। और इंस्टाग्राम पर मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, हर रोज बढ़ते रहते हैं। तो मैं बहुत फेमस हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पे सब करता हूँ। मेरा नाम है आरटी, यानी कि रिपोर्टर टेंगो। तो सर, आपको आप करते क्या हो? मैं बोला ना, रील्स बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, रील्स। आपको एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है? मुझे एक रील्स बनाने में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे। तो मैं दिन में 5 रील्स बना सकता हूँ, तो मेरा पूरा दिन 5 रील्स बनाने में निकल जाता है। इतना टाइम क्यों लगता है आपको? लेकिन मुझे वो शूट करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल रील बनाता हूँ और मुझे स्लो मोशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं वीडियो को स्लो मोशन में नहीं करता, मैं खुद स्लोमो हो जाता हूँ। मैं वीडियो को शूट करते समय उसको स्लो में नहीं करता, क्योंकि जो उसमें क्वालिटी डाउन हो जाती है ना, तो मुझे खुद स्लो चलना पड़ता है। इसलिए मैं वहां से वहां तक चलने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। स्लोमो किंग एजे के नाम से जाना जाता हूँ। आप फेमस हुए, इसका राज हमें बताए तो हम भी जानना चाहेंगे और ये जनता भी जानना चाहेगी, तो आप बता सकते हैं? तो मेरे फेमस होने का राज मैं आपको बताता हूँ। एक रिपोर्टर था, वो मेरा इंटरव्यू लेने आया, तो उसने मुझे बोला कि स्लो मोशन करके दिखा। तो मैं स्लो मोशन करने में मैंने 2 घंटे निकाल दिए, तो रिपोर्टर शायद क्या हुआ, वो बेहोश हो गया था और वो न्यूज़ में आ गया, तो मैं फेमस हो गया कि रिपोर्टर इसकी रिपोर्टिंग लेते समय बेहोश हो गया, तो मैं फेमस हो गया। तो आप कहते हो तो मैं अभी स्लो मोशन करके दिखा दे रहा हूँ। नो सर, नो, क्योंकि हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि आपका 2 घंटे का एक रील वेस्ट हो जाएगी और हम आपको इतनी तकलीफ नहीं देना चाहते। ऐसे ही थोड़ा फेमस हूँ, नाम है जे स्लोमो एजे। सर, मैं इस सवाल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी मत मांगो, तुम मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, यही काफ़ी है। तो सर, आप एक वीडियो से कितने कमाते हैं, आपकी इनकम क्या है? मेरी इनकम मैं कहीं पर भी, अब शॉप और ऐसे होते हैं ना, वहाँ पर जाके उसको दिखा सकता हूँ मेरे बैकग्राउंड में, तो उसके पैसे लेता हूँ, लेकिन वो मैं कह ही नहीं सकता कितने लेता हूँ।
क्योंकि आप सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे, मैं बहुत पैसे लेता हूँ लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मुझे लोग पैसे लेता है ऐसा बोलेगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं लेता हूँ। तो आप लोगों ने देखा, ये थे फेमस रील बनाने वाला, जो जिसको स्लोमो एजे के नाम से जानते हैं। तो सर थैंक यू। तो अभी कैमरा बंद कर दो। कैमरा तो आज के 200 रुपये दे दो। क्या? अरे तो ये इंटरव्यू में फ्री में थोड़ा दे रहा था, 200 रुपये लूंगा मैं, क्योंकि इसमें मेरा 2 रील्स अभी बन जाते इतने समय में। 200 रुपये लगेंगे भाई इस इंटरव्यू के? 200 रुपये भाई, आप ही फेमस हो गए इस इंटरव्यू के बाद, आप और ज़्यादा फेमस हो। ऐसा नहीं चलेगा भाई, 200 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो के 200 रुपये लेता हूँ। 200 रुपये क्या है मेरे पास, चलता 150 कर दे। 150 भी नहीं है, 100 दे सकता है ना? 100 नहीं है मेरे पास। ओके तो 50 दे दे। एटीएम है वो दुकान पे ही होगा सब। क्या भाई छुट्टे नहीं है 50? चल चाय पीते हैं वहां पे सब पे। तो घर पे नहीं मिलती कि? चलो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गाइस ये थे, कहाँ गए? अभी उस तरफ ही है, क्योंकि वो स्लो में चलते हैं, इस स्लोमो एजे के नाम से फेमस हुआ है, तो स्लो में ही चल के आ रहा है। मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और मैं अभी घर पे निकल जाऊँगा, क्योंकि 5 रुपये भी नहीं छोड़ता है अभी। घर पे तो चाय पिला ही नहीं, लेकिन मुझे उसको पिलानी पड़ी वहाँ पर, तो ये बहुत ही, लेकिन अच्छे हैं शायद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि स्लो मोशन देखने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉय एंड keep supporting.